हेलो गाइस, शाम का समय हो चुका है। मैं और मेरे फ्रेंड अभी अपने गांव में घूम रहे हैं। ये देख सकते हैं, काफ़ी हरी भरी जगह है, जंगल है। ये गन्ने का खेत है, आप देख सकते हैं। और भाइयों, ये हमारा पहला वीडियो है। और अभी देख सकते हैं हमारी हालत कैसी हो चुकी है गर्मी में। और मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो थोड़ा फेस भी ठीक नहीं लग रहा है आप लोगों को। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और गाँव से लेकर विदेश तक की वीडियो आएगी इस चैनल पर। आप लोग बस वेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और हम आपको सभी दिखाएंगे जो गांव में होता है, जो हमारे यहाँ का इन्वायरमेंट है वो दिखाएंगे आपको। दोस्तों, ये हमारे गांव का रास्ता है, देख सकते हैं आप लोग। ये कच्ची सड़क खड़ंजा है। आज भी भारत के गांव अभी डेवलप नहीं हो पाए जो विदेश में होते हैं। मैंने आपसे बोला कि देख सकते हैं, ये भांग है, शंकर जी की बूटी है, और हमारे यहाँ आज भी लोग इसका यूज़ बहुत कर रहे हैं, नहीं मानते हैं, बहुत करते हैं। और ये है गौशाला, ये देखिए भाइयों, गौशाला है हमारे गांव की। और ये सभी खेत हैं, और वो सामने खेत पापलर वाला, वो अपना ही खेत है, उसमें हमने भी चारा बो रखा है। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, फर्स्ट वीडियो ब्लॉग की। और हम जहाँ जहाँ घूमने जाएंगे, जहाँ जहाँ वीडियो शूट करेंगे, अपना हमारा दो चैनल और हैं, तो सब आपको दिखाएंगे। और हम अपनी लाइफ कैसे जीते हैं, और हमने अपनी लाइफ में अभी तक क्या पाया, क्या खोया, सब कुछ आपको बताएंगे। आप लोग वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और भाइयों, ये है धूप घास। इस पर जो नंगे पैर चलने का एक्सपीरियंस होता है, वो अलग ही होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है मुझे तो। काफ़ी मतलब अच्छा महसूस होता है, जो अपने जो चप्पल वगैरह पहनते हैं, सैंडल वगैरह, जूते वगैरह दिन भर, तो उससे मतलब पहन के मतलब पैर काफ़ी गर्म होते हैं, गर्माहट होती है। आप शाम के समय, सुबह के टाइम तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, लेकिन सुबह के टाइम हम उठ नहीं पाते हैं जनरली, लेकिन बट शाम के टाइम घूमते हैं तो हमें इस पर बहुत ज़्यादा राहत मिलती है, और हमारे माइंड को थोड़ा रिलैक्स मिलता है। ये फर्स्ट ब्लॉग है हमारा, और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप भी अगर गाँव में रहते हैं, तो इस समय स्टूडेंट हैं, तो कुछ ना कुछ ज़रूर करिए पढ़ाई के साथ साथ। अपना कोई भी यूट्यूब चैनल बनाएं, जिसमें आपको मतलब ज़्यादा ज्ञान हो, जिसकी नॉलेज हो, उस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, क्योंकि थोड़ा नॉलेज भी बढ़ती है, और सामने वाले भाइयों को, देखने वालों को फ़ायदा होता है। तो ये देख सकते हैं, गांव का नज़ारा है, काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पे। और ये हमारे भाई साहब हैं, इनका भी चैनल बहुत जल्द लॉन्च होगा, ये बहुत जल्द ये भी ब्लॉग की वीडियो बनाएंगे, और हम ट्रैवलिंग की वीडियो दिखाएंगे आपको, ठीक है। हमारे पास जो बाइक है वो भी दिखाएंगे, मेरे पास तो ट्रैक्टर भी है, मैं जनरली ट्रैक्टर की वीडियो बनाता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, मैं प्राइवेट टीचिंग बहुत भी की है मैंने, और अभी लर्निंग कर रहा हूँ फ़िलहाल, लेकिन बट मेरा शौक है कि मुझे किसान भाइयों के लिए कुछ करना है, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, तो मैंने बहुत सी प्रॉब्लम फेस करी है। अभी देख सकते हैं मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बुखार रहा है मुझे, तो मेरे बाल भी बहुत सारे गिर चुके हैं, थोड़ा इलाज भी कराना है इनका। और मैंने सोचा कि क्यों ना अपने किसान भाइयों को मतलब मोटिवेशन दिया जाए, जो मेरे भाई हैं और भी भाई हैं। ये ब्लॉग का चैनल है, इस पर ये नहीं है कि सब, इस पर सभी वीडियो आएंगे A to Z। फूड चैलेंज भी होगा इसी चैनल पर होगा, जो भी होगा पहली वीडियो है, ठीक है। दिखाएंगे आपको जर्नी कि अभी हम कैसे लग रहे हैं, ठीक है, और सब दिखाएंगे आपको। तो ये ब्लॉग हमारा यहीं पे एंड होगा। थैंक यू गाइज़।